पत्थर दोनों जो है इसका ईंधन हो गए। तो ये लोग ही है, ये रोक रहे। शैतान क्या करता है, आपका हाथ पकड़ के आपसे काम नहीं करवाता है, आपको वसवसे दिलाता है, आपका इरादा आपका इख्तियार आपसे काम कराता है। आप जब कहते हो कि मुझे बुराई करनी है तो शैतान आप पे मुसलत हो जाता है और आपको वसवसे दिलाता है, आपको वो काम अच्छे करके दिखाता है। और आप वो करने का तरीका जो है बातिनी तरीका नहीं है, बातूनी तरीका, टॉकेटिव तरीका, सिर्फ उसके अंदर बातें ही बातें, बातिनी तरीका भी नहीं है। और बातनी का रास्ता जाहिर से होके जाता है। हाँ यही लुकिंग लंदन टॉकिंग टोक्यो है भाई। अबू अदी एक मिशनरी का सुना करे, वो कभी भी बातिनी नहीं बोलता, वो बातूनी बोलता है। हाँ वो हमेशा बातूनी बोलेगा। हाँ तो मैं यही बोलता हूँ ना, ये लुकिंग लंदन और टॉकिंग टोक्यो ये को क्या बोलते चीज है, इसका क्या मतलब है? सलो को मोटो एंड आने सलो को नानो इतरब इंडिया PDF। सलो को क्या, सलो को कुरान शरीफ में सारे रसूलों ने लोग बड़े और बहुत से लोग छोटे आए सब, सारे रसूलों की। वैसे आप लोगों ने एक बात नोट की है कि पिछले एक साल से आगा खान नजर नहीं आ रहे, कोई स्पीच नहीं, कोई वो नहीं, मतलब कोरोना से डर गए, डर गए भाई। एक ही झटके में 20 लाख लोगों को ये मुसलमान बना सकता है एक वर्ड से। चलो आप लोगों का डिस्कशन बहुत अच्छा चला है, काफी लोगों ने काफी देर तक हमें सुना है। अब तकरीबन कुल मिला के 60 शो हो रहे हैं मुझे एक प्लेटफॉर्म पे, लेकिन टाइम बहुत हो गया, 2.5 घंटे तकरीबन, बल्कि 3 घंटे पूरे होने को आए, ऑलमोस्ट 3 घंटे। और हालांकि एक दफा मैं समद भाई वो हाथों से निकल चुका है, मैं आपको एक चीज बताऊं, अभी वो रिसेंटली क्रिश्चियनिटी और इस जो इस्माइलिज्म इनके बीच की कनेक्शन पर वो थियो अपनी बना रहा है PhD, और अभी उसका यही कोशिश है कि किसी तरह ईसाइयों को ये मिला दे कि हम इस्माइली और क्रिश्चियन एक ही थियोलॉजी के मालिक हैं। तभी तो उसने अभी क्रिश्चियन क्रॉस पर कलमा साबित किया, अब वो ये साबित कर रहा है कि जीसस ही असल में द लाइट ऑफ इमाम है और इमाम ही जीसस की लाइट है। इसका रिसेंटली लेक्चर जरा सुनिएगा। तो अभी तो वो दूसरे ट्रैक पे चला गया, उसको अब इमाम से सैलरी पूरी नहीं पड़ रही, अब वो क्रिश्चियन मिशनरी भी बना लेगा खुद को, ये दोनों काम करने वाला है। नहीं खलील अंदानी हमारे लिए बहुत ही अच्छा है माशाल्लाह, इंटरनेट के दौर में जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है, अभी बहुत से लोगों की आंखें खुल रही है। तो खलील अंदानी अपना काम जारी रखे, क्रिश्चियनिटी को आपने मिक्स कर दिया, पहले हिंदुइज्म था, फिर सूफीज्म था, फिर अभी क्रिश्चियनिटी को, तो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हो, अपने आर्टिकल्स लिखते रहो इंशाल्लाह, और मैं शेयर करते रहता हूँ। खलील अंदानी के लिए दुआ करो, अल्लाह इसको हाजी बनाए, अल्लाह इसको हज की साथ खलील को अल्लाह अच्छा एक दाढ़ी वाला मौलाना बनाए, ये कुरान का वो दाढ़ी से बहुत चेड़ है, इसके लिए दुआ करो खलील और दाढ़ी मदद की है कि अल्लाह इसको हिदायत दे और इसको कुरान की तरफ ले आए और इसको हज कराए अल्लाह का। अच्छा किफायत भाई, हम लोगों का लाइव प्रोग्राम फेसबुक, यूट्यूब, ट्विच, ट्विटर और कहाँ पर है, यहाँ पर अभी फिलहाल चल रहा है। अच्छा सलीम भाई आप दुआ करवाते, प्रोग्राम एंड कर लेते हैं, 3 घंटे पूरे हो गए। बहन नहीं नहीं मेरे से अच्छी बात है, आलिम लोग हैं यहाँ पे, मैं कुछ भी नहीं हूँ, जाहिल आदमी, मेरे को बोलने भी नहीं आता है। दुआ भी तो सवाब है ना, कोई भी करवा दे सवाब का काम है। नहीं नहीं अभी मेरे पास अल्फाज नहीं है, मैं आधा तो झोंका मार रहा हूँ आपकी कमर भाई आप आज करवा दे दुआ हमारे लिए। कमर भाई करवा देंगे, कमर भाई से करवा, कमर भाई माशाल्लाह। प्रोग्राम लगता है आप लोगों का आज एंड करने का दिल नहीं कर रहा ना। हाँ अभी, लेकिन ये क्या है कि फिर बाद में ऐसा लगेगा कि फिर कल और प्रोग्राम में डर लगेगी फिर बाद में, अभी तो बैठे रहेंगे। चले कमर भाई, खलील अंदानी देखो मैंने एक दफा यूट्यूब का चैनल स्विच कर लिया है, बंद कर चुकी हूँ, नए प्रोग्राम में भी आ गया है, कहता है ऑल सुन्नी सूफीज बिलीव इन तवस्सुल एंड तवस्सुल इज आल्सो मेंशनड इन कुरान। ये तवस्सुल का मतलब ये नहीं है कि आप वो नहीं करने वाला। अच्छा चल ठीक है, प्रोग्राम को एंड करते हैं। तो फराज भाई आप दुआ करवा रहे हैं, कमर भाई करवा लें, अहमद भाई करवा लें, फिर नहीं करे तो मैं बिस्मिल्लाह पढ़ के एंड कर देती हूँ।
ज़बाना ज़ारा स्माइली कहती है मैं करवा देती हूँ दुआ। सिस्टर आप तो कभी आती भी नहीं हो, तो आपने कौन सा कमेंट में दुआ करवा देनी है। फिर प्रोग्राम हमारा कंप्लीट हो गया 3 घंटे का माशाल्लाह। आज हमारी आपस में ही डिस्कशन चला और बहुत सारी चीज़ें एक हल्के लाइटर मूड में सब तक पहुंची, और उम्मीद है कि इसको लोगों ने सुना भी होगा, इसमें लोगों ने कुछ सीखा भी होगा और इस्माइली जमात तक ये बात पहुंची भी होगी। सबसे बड़ी बात ये कि खलील अंदानी को इंटरेस्ट बढ़ रहा है, क्या पता किसकी बात इसके दिल पे लग जाए और इसके तुफैल कितने इस्माइलियों को सही रास्ता मिल सकता है। खलील के लिए हम सब मिल के दुआ करेंगे। अल्लाह पाक हम सबको जो है वो शैतान के फितने, इस दौर के फितने और तमाम तर बुराइयों से बचाए रखे, हम सबको इस्तकामत नसीब करे और सबको हिदायत पर ही कायम रखे। औज़ु बिकलिमातिल्लाहि तअम्मति मिन शर्रि मा खलक। अच्छा जी, कल मुलाकात होती है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु।